गुड मॉर्निंग सोम। सोम रात का टाइम है, रात का। अबे तेरे यहाँ पे नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं, रात का टाइम है जंगल में। और एकदम से एक स्पेसशिप होती है ना, स्पेसशिप, वो उतरती है जंगल में। और उसमें से एक हिरन, हिरन होती है ना, हिरन, हिरन और इंसान, इसका मिक्स, मतलब ऐसे होता है, ऐसा कोई एक जानवर या इंसान, ऐसा चीज़ उतरता है स्पेसशिप में से जो हिरन भी लगता है और इंसान भी लगता है। बिल्कुल वाइट कलर। उसके हाथ में होती है स्टिक। अब वो जो है, हम उसको एंजल कह सकते हैं, राइट? तूने स्टोरीज पढ़ी होंगी ना, एंजल आती है वाइट स्टिक के साथ, स्टार हाथ में पीछे पर ऐसे, और वो जो भी बोलती है वो हो जाता है। तो उसी टाइप की एक एंजल थी, वो वाइट स्टिक लेके, पूरी वाइट और बहुत चमक रही थी, वो स्पेसशिप से उतरी है। रात था, सब जानवर सो रहे थे, स्पेसशिप में इतनी आवाज़ नहीं हो रही थी कि सब लोग उठ जाएं। तो वो जो एंजल थी वो अब पैदल चलने लगी जंगल में। जब वो पैदल चलने लगी जंगल में तो सबसे पहले उसके रास्ते में वाइट चीज़ है तो वाइट चीज़ को अट्रैक्ट किया, यानी रैबिट को अट्रैक्ट किया। रैबिट वहाँ पे पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। अब वो जो वाइट हिरन थी, हम लोग उसको नाम दे देते हैं एंजल हिरन। तो एंजल हिरन जो वाइट कलर की पूरी थी और थोड़ी थोड़ी इंसान की तरह थी और पैदल चल सक रही थी, उसके हाथ में वाइट स्टिक थी जो चमक रही थी। उसने रैबिट को देखा और रैबिट को उस स्टिक से ऐसे टच किया, तो रैबिट जितना वाइट था ना, उससे ज़्यादा वाइट हो गया और एकदम से उसकी आंखें चमकने लगी और वो एंजल को बोलने लगा, यस एंजल, आप यहाँ पर कैसे, अब बताओ। नॉर्मली रैबिट ने कभी एंजल को देखा नहीं था, और ये एंजल जो है, जो हिरन एंजल है, वो स्पेसशिप में से उतरी थी, फर्स्ट टाइम उतरी थी। फिर भी रैबिट ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि जो स्टिक थी वाइट एंजल के हाथ में, जो स्टिक थी ना, उस स्टिक में कुछ ऐसा मैजिक था कि वो जिसको भी टच करती थी ना, वो उसको पहले से जानता था। रैबिट ने ये सवाल किया, आप यहाँ कैसे, इसका मतलब वो उसको पहले से जानने लगा। तो एंजल ने बोला, देख मैं एक्चुअली यहाँ पर आई हूँ, यहाँ पर एनिमल्स को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग इधर शिकार करने आते हैं, एनिमल्स को मार के चले जाते हैं, इनके पास कुछ पावर नहीं रहती है, मुझे इनको पावर देनी है, तो तू मेरी मदद कर। तो रैबिट ने एंजल को बोला, रैबिट एंजल की स्टिक से ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुका था, इफेक्टेड मींस उसको स्टिक टच कर चुकी थी, और वो स्टिक अगर किसी को भी टच करती है तो वो एंजल को बहुत पहले से जानता है, ऐसा करता है, समझ रहा है ना। तो रैबिट ने उसको जवाब दिया, ओके एंजल, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो एंजल ने उसको बोला कि तू सबसे पहले मुझे कुछ एनिमल्स के पास लेके चल जिनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं। तो रैबिट ने बोला, ठीक है। सबसे पहले वो अपने फ्रेंड के पास जो कि मंकी है, रैबिट का भी फ्रेंड मंकी, उसके पास लेके गया। मंकी पेड़ पे आराम से सो रहा था। तो एंजल के पास सुपर पावर होती है, उसने रैबिट को हाथ में उठाया और ऐसे हवा में उड़ के लटकने लगी। अब जब वो लटक रही थी हवा में तो मंकी सो रहा था, तो एंजल ने उसको स्टिक टच नहीं की, उसको उंगली, अपनी फिंगर टच की। अगर स्टिक टच करती तो वो एंजल को पहले ही जान जाता, इसलिए उसने जानबूझ के उंगली टच करी। जैसे ही उंगली टच करी, भाई साहब मंकी की आँख खुली और उसने देखा ये वाइट वाइट कलर की चीज़ हवा में लटक रही है, तो भाई साहब खुद ही गिर गया सीधा पेड़ से नीचे दड़ और भागने लगा। उसको क्या लगा कि भूत आया है। अब एंजल के पास सुपर पावर थी, उसे पता था ऐसा कुछ होने वाला, इसलिए उसने टिक से टच नहीं किया। अगर वो एंजल अपनी स्टिक से उसको टच कर देती तो मंकी को प्रॉब्लम क्या है वो पता नहीं चलती, वो फिर क्या हो जाता, वो एंजल का ही हो जाता, जैसे रैबिट एंजल का हो गया, वो एनिमल नॉर्मल एनिमल नहीं रहा पर वो एंजल का एनिमल हो गया। तो अगर वो मंकी को भी ऐसे स्टिक टच कर देती तो मंकी भी एंजल का एनिमल हो जाता, इसलिए उसने फिंगर से टच किया, उसको उठाया, तो मंकी तो भाई साहब भूत समझ के भागने लगा।
अब भूत समझ के भागने लगा तो एंजल ने पहले खरगोश को नीचे उतारा, बोला जा और तू उससे बात कर। अब मंकी भागता जाए, पैदल ही भाग रहा था आज तो भाई, इतना डर गया था, इतना डर गया था कि उसको पता नहीं कि वो छलांग लगा सकता है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो वो भागता ही जा रहा था बस। अब रैबिट क्योंकि बहुत फास्ट भागता है, उसके पीछे पीछे भागा, बहुत तेज़ भागा, बहुत तेज़ भागा। अब मंकी आगे आगे भाग रहा है, रैबिट उसके पीछे पीछे भाग रहा है। एक टाइम आया जब दोनों साथ में भाग रहे हैं, रैबिट उसको चिल्ला रहा है, रुक रुक रुक। मंकी ने उसको देखा तो रैबिट पहले से ज़्यादा चमक रहा था, पहले से ज़्यादा वाइट हो रखा था, तो मंकी और डर गया। मंकी इतना डर गया, इतना डर गया कि उसने अपनी स्पीड ट्रिपल कर दी और भागने लगा। रैबिट पसीने निकल गया, बोला यार ये आज इतना कैसे तेज़ भाग रहा है, तो मेरे से भी तेज़ भाग रहा है। इतनी देर में वो जो एंजल थी वो आराम से, उसके पास सुपर पावर थी, वो फटाफट से अपनी सुपर पावर को यूज़ करके सीधा मंकी के सामने जाके खड़ी हो गई। और मंकी के सामने खड़ी हो गई तो मंकी भागते 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 ठक करके टकराया और उधर ही गिर गया। तो एंजल ने उसको बोला एक सेकंड रुक। तो मंकी घबराया हुआ था, उसने बोला नहीं 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 भूत 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 भूत, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को जान दो, मेरे को जान दो, मैं जान दो। इतने में रैबिट आ गया, रैबिट ने उसको समझाया, देख दोस्त मैं तो तेरा फ्रेंड हूँ, रुक मेरी बात सुन, ये एंजल है, ये हमारी हेल्प करने आई है। अरे नहीं 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 मैं कैसे मानूँ, मैं कैसे मानूँ, ये तो मार देगी मुझे, खा जाएगी, भूत है ये तो, भूत है भूत है, मैंने देखा है भूत वाइट कलर के थे, ये वो डर गया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इतनी देर में उधर से एनिमल जो है एलिफेंट अपना दोस्त वो क्रॉस हो रहा था, उसने देखा ये वाइट वाइट कलर की चीज़ें क्या चमक रही। पर एलिफेंट स्ट्रॉन्ग एनिमल है, स्ट्रॉन्ग इधर से भी और इधर से भी। तो उसने वहाँ जाके समझने की कोशिश की कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो एलिफेंट ने उससे पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, तो एंजल जो थी वो वहाँ पर ही खड़ी थी, उसने उसको बताना शुरू ही करने वाली थी, इतनी देर में मंकी बीच में बोल पड़ा, अरे भाग जा, तू इधर क्यों आया, तू भी मरेगा, ये लोग मेरे को खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़े हुए, वो देख रैबिट पहले से ज़्यादा चमक रहा है, ये देख पता नहीं कौन है, हिरन है क्या है, इंसान है पता ही नहीं, वाइट कलर की इतनी, और भूत होते हैं, ये तो रात को निकली है, मेरे को आके मारा इसने, मैं भागा जैसे तैसे भागा, ये एक सेकंड में इधर पहुंच गई, तो भूत ही तो कर सकता है ऐसा। तो एलिफेंट ने बोला तू रुक तो सही ना भाई, भूत होती तो अब तक तेरे को खा नहीं जाती, भूत होती तो इतना वेट करती क्या तेरी, बड़बड़ 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 चुप कर। तो एलिफेंट ने उससे पूछा एंजल आप बताएं आप इधर क्या कर रहे हैं। तो एंजल समझ गए कि ये बंदा जो है, मतलब ये एलिफेंट जो है मेरी बात सुनेगा। तो उसने बोला कि देखो मैं स्पेस से आई हूँ और मेरे पास सुपर पावर्स हैं और मैं आप जानवरों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो मुझे बताओ कि मैं आप लोगों की हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो उसने एलिफेंट ने पहले मंकी को बोला, मंकी रुक सुन, अगर कोई हेल्प करने आया तो सुन, हेल्प करने वाला तेरे को अभी तक तो मार चुका होता अगर वो गलत सोच रहा होता, ये सही सोच रही, रुक थोड़ा सा जाके मंकी की सांस लो ही। उसने बोला मैं तो तेरे ऊपर बैठूंगा, मैं तो तेरे ऊपर बैठूंगा। हाँ तो एलिफेंट ने बोला तो भाई बैठ जा, चींटी सो रही है तू बस उसका ध्यान रखना। हाँ वो छोटी सी चींटी उसके पास में ही बैठूंगा। वो धीरे 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 देख देख के एलिफेंट के ऊपर चढ़ा और बैठ गया। अब एंजल से बात होने लगी, एंजल ने बोला कि हाँ एलिफेंट जी आप बताइए आपको जंगल में क्या प्रॉब्लम है। एलिफेंट ने बोला यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि जब भी कोई इंसान यहाँ पर आता है तो वो गन लेकर आता है और वो जानवरों को मारने के लिए आता है, हम ऐसी पावर चाहते हैं कि वो जानवरों को हार्म नहीं करे, परेशान नहीं करे, मारे नहीं, आए घूम फिर के आराम से देखें हमें और चले जाएँ फ़ोटो खींच के फिनिश, गन लेके क्यों आते हैं। तो एंजल ने बोला यस मैं इसीलिए जानबूझ के आई थी, और कोई प्रॉब्लम। एलिफेंट ने बोला नहीं यहाँ पर बाकी सब कुछ अच्छा है, हमारे को नेचर का खाना मिलता है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब हैं, हमारे जो किंग लायन है वो बहुत अच्छे हैं, हमारे जो फॉक्स हैं वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, हमारे जो मंकी हैं ये बहुत सारी चीज़ें शहर से उठा के लाते हैं जो हमारे को एंटरटेन करती है, हमारी दोस्त है एक चींटी पर वो अभी सो रही, नहीं तो मैं आपको उससे मिला देता। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड है चींटी, वो भी वाह चलो अच्छी बात है, तो और कोई प्रॉब्लम। एलिफेंट बोला नहीं इतनी प्रॉब्लम है। तो उसने जो स्टिक थी ना एंजल ने वो स्टिक एलिफेंट को दे दी और एलिफेंट को बोला कि अब एक बार भी अगर कोई तुम्हें इंसान जंगल में गन लेकर आता हुआ दिखे तो इस स्टिक को दूर से ही उस इंसान की तरफ ऐसे दो बार राउंड करके
घुमा के और ज़मीन पे रख देना तो तुम मैजिक देखोगे। बोला वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो वहाँ से एंजल जो है पूछ के कि भाई और कोई प्रॉब्लम नहीं है? सब ने बोला नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोली अब मैं चलती हूँ, ये स्टिक तुम्हारे हमेशा काम आएगी, कोई भी प्रॉब्लम होती हो तो स्टिक को 2 बार ज़मीन पे मारना, मैं आ जाऊँगी, और अगर 2 बार उस इंसान के सामने राउंड कर दोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा करके एकदम से वो गायब हो गई। मंकी और एलिफेंट आपस में बोले कि यार ये स्टिक को तो हम लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, पर ट्राई कैसे करेंगे वो हमें पता चलेगा नेक्स्ट कहानी में, जो कि होगी कल।